मॉक टेस्ट से रिलेटेड बात करते हैं कि भाई मॉक टेस्ट का स्कोर जो है वो कैसे बूस्ट करना चाहिए। देखो यार, मॉक टेस्ट का स्कोर बूस्ट करने का द फास्टेस्ट वे राइट नाउ इज टू एनालाइज द पेपर प्रॉपरली एंड आइडेंटिफाई कि कहाँ पे आपने सिली मिस्टेक्स की या पेपर अटेम्प्ट करने की आपकी स्ट्रेटेजी में कहीं कोई इशू तो नहीं था। क्योंकि हो सकता है पेपर को आप इस तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हैं जिससे आपका स्कोर डाउन हो रहा है, और एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी पेपर अटेम्प्ट करने की अगर लगाओगे तो हो सकता है आपका स्कोर इंक्रीज हो जाए। तो पहले तो आप आइडेंटिफाई करिए कहीं आपकी प्रिपरेशन में, आपके मेथडोलॉजी में कुछ लैकुना तो नहीं है। हो सकता है डिफरेंट स्ट्रेटेजी से पेपर अटेम्प्ट करने से ही आपका स्कोर बढ़ जाए। दूसरा, एनालाइज करें किस तरह की सिली मिस्टेक्स आपसे हो रही हैं, क्योंकि सबसे इजीली इस समय में वही रेक्टिफाई हो सकता है। क्योंकि पूरे कंसेप्चुअल इंप्रूवमेंट करना इतना आसान नहीं रहेगा, पर द फास्टेस्ट वे टू इंक्रीज द स्कोर इज डिफाइन योर पेपर स्ट्रेटजी प्रॉपरली। पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करें अलॉन्ग विद सिली मिस्टेक्स को मिनिमाइज करोगे तो लास्ट समय में भी आप अपना स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं, राइट? अब पेपर को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी में एक अच्छी शुरुआत होना बहुत ज़रूरी होता है। दो पेपर्स हमारे होते हैं, पेपर वन पेपर टू, और पेपर टू में बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छा इसीलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि पेपर वन जो होता है उसके बाद उनका माइंड इतना चल चुका होता है कि पेपर टू में वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो इसलिए स्टेमिना आप में होना चाहिए दो पेपर्स देने वाला, और पेपर टू पे आपका इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए पेपर वन जैसा भी गया हो, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। यस एटीपीएंस, ओके। अगला सवाल है, कितने मॉक टेस्ट अभी देने चाहिए बचे हुए समय में? इट डिपेंड्स ऑन योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी को वही मॉक टेस्ट देने चाहिए विच मस्ट बी हाईली रेलेवेंट, जो बहुत ही रेलेवेंट है वही मॉक टेस्ट आपको देना चाहिए। 21st को, 21 तारीख को हम AIOT कंडक्ट करा रहे हैं, ऑल इंडिया ओपन टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं जेई एडवांस्ड के लिए। तो जो स्टूडेंट्स ATP स्टार के डिफरेंट बैचेस में हैं वो तो ये टेस्ट देंगे ही, उसके अलावा बाकी सभी स्टूडेंट्स भी इस टेस्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं, राइट? तो AIOT होने वाला है 21 तारीख को, बिल्कुल ये रेप्लिका टेस्ट होगा जेई एडवांस्ड का, पेपर वन पेपर टू दोनों होने वाले हैं। तो होपिंग दैट आप सभी के सभी ATPs उस टेस्ट को ज़रूर देंगे। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं, 6 आवर्स देना चाहिए या 3 आवर्स देना चाहिए। मेरा मानना है आप जो भी बचा हुआ टाइम है उसमें जितने भी टेस्ट दो, यू शुड गिव फॉर 6 आवर्स, यानी पेपर वन पेपर टू के फॉर्मेट में आपको उसे देना चाहिए, तभी आपका कॉन्फिडेंस एक्चुअली बूस्ट होगा और स्टेमिना आपका इंक्रीज होगा। नहीं तो स्टूडेंट्स ऑफन एक टेस्ट देते हैं एडवांस का, उससे काम नहीं चलता है। अगली चीज आप सभी को बताना चाहता हूं वो है कहाँ से टेस्ट दें। तो कहाँ से टेस्ट दें, उसके बहुत सारे न्यूमरस सोर्सेज होते हैं, लेकिन अगर आप रेलेवेंट सोर्स चाहते हैं तो ATP स्टार कोटा जो है आप हमारी ऐप पे या वेबसाइट से टेस्ट दे सकते हो, राइट? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी एज अ टेस्ट दे सकते हो, प्लस 21 तारीख को मैंने बोला AIOT होने वाला है, कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो सभी को वो टेस्ट ज़रूर देना है, ऑल इंडिया ओपन टेस्ट होने वाला है। ओके।